बहुत ही अद्भुत फिल्म है, ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे शूट की गई है। गुजराती फिल्में ऐसे लोकेशंस पे और ऐसी कहानी के साथ बहुत कम बनती हैं, और ये बनी है, इसने अपने आप में एक बेंचमार्क सेट कर दिया, एक लेवल अचीव किया है। तो आई थिंक आने वाली फिल्में और प्रोड्यूसर्स जो अभी लॉन्च करेंगे पिक्चरों को, होप ये देखें इस पिक्चर को और इसको देख के इसके ऊपर कुछ अच्छा बनाएं, इससे अच्छा करें। एक बहुत खुशी की बात है कि हमारी गुजराती इंडस्ट्री आज इतने बड़े लेवल पे कलेक्शंस इसके आए हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। जो अब गुजराती फिल्में बनाएंगे वो दिल खोल के बनाएंगे, अच्छे लोकेशन, अच्छी कहानियाँ, अच्छे आर्टिस्ट को लेके बनाएंगे, तो ये एक ओवरऑल अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री बढ़ेगी आगे और सबके लिए अच्छा होगा, सबको काम मिलेगा, आर्टिस्ट हो, टेक्नीशियंस हो, बिहाइंड द कैमरा हो, फ्रंट ऑफ द कैमरा हो, इंडस्ट्री बड़ी होती है, सबको अच्छा काम मिलता है और बहुत अच्छा होता है इंडस्ट्री के लिए। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। विपुल मेहता जो डायरेक्टर हमारे हैं मेरी सीरियल क्योंकि सांस भी गए बहुत ही, एक राइटर है, एक कहानी उनकी थी राजेश जोशी के साथ लिखी थी, और आई एम वेरी हैप्पी कि आज वो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए हैं, और ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम। गुजराती फिल्मों को थोड़ा सा बजट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी जो है ये फिल्म को देखने के बाद जिस तरह का बिजनेस किया, आपको लगता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी? अगर याद होगा रिसेंटली मेरी फिल्म आई थी एक आओ तारू करी नाखू, वो भी अच्छे बजट की पिक्चर थी, लेकिन वो रिलीज़ में कुछ उसका प्रॉब्लम हो गया, तो इस वजह से अदरवाइज़ वो फिल्म भी अच्छे बजट की थी, अच्छे बजट की फिल्में बन रही हैं, लेकिन अच्छे बजट की फिल्में अच्छी तरह रिलीज़ हों और उसको अच्छा प्रमोट किया जाए, ये भी एक बहुत अच्छा एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है फिल्म के लिए, चाहे हिंदी फिल्म हो, गुजराती फिल्म हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको अच्छी तरह से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक चाल जीवी लिए ने एक ये भी दिखा दिया है कि एक टाइमली रिलीज़, टाइम गुड प्रमोशन, अच्छी तरह से रिलीज़ करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोड्यूसर अब फिल्में बनाएंगे उनको एक हिंदी फिल्मों से या इस फिल्म से सीखना चाहिए कि कैसे रिलीज़ करनी है इस पिक्चर को, ताकि इंडस्ट्री की जो अच्छी फिल्में जो अच्छे लोगों तक पहुँचे, सब तक पहुँचे और सब देखें उसे, और फिल्म चले, इंडस्ट्री चले, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।